ब्याह कर लेते हैं, उसके बाद एक बार रेस्टोरेंट खुल जाए तो उसको भी चलाएंगे और अपनी लाइफ को भी। हमें एटलीस्ट एक साल तक इस तरह मिलना चाहिए एंड देन वी शुड टेक अ डिसीजन। और अगर एक साल बाद ऐसा ना लगा तो नहीं करेंगे। आपका नाम गीता होना चीता। क्यों? कर्म कर, फल की चिंता मत कर। मेरा जूस क्या वाला लड़का देखने में तुझे क्या तकलीफ है? ऐसे लड़के तो लेके आते हो, गोबर देते हो और एक्सपेक्ट करते हो केक समझ के खा लूं। मैं आपको कितनी बार बोल चुकी हूँ मुझे लव मैरिज करनी है यार। किससे? तू गल्ला कर दा, तेरे तो कुछ नहीं होना। भैया तो कॉफी देना। एक ही देना? आप ये पी लो, मस्त ड्रिंकिंग पाउडर डाल के बनवाई है मैंने। अब भैया हो ओए, जो ओल्ड एज वाले अंकल जी यहाँ खड़े हैं उनकी जगह बैठा है। उठ। अरे अंकल जी आइए ना, बैठिए ना। नहीं बैठना मुझे यार, समझा कर यार, पाइल था मुझे। आपकी असुविधा के लिए खेद है। अब तो मैं खीर भी बनाऊंगा और गिन्नी को तेरी भाभी और आपकी बहू भी। कसम पैदा करने वाले की। ओए ए मेरीयां कसमा क्यों खा रहे है? तुसी कल्ले पैदा कीता है ओनू। ओए कॉफी पिलाएगा? लाइन मार रहे हो? नहीं मैं तो बस बाय द वे पूछ रही। पिक्चर इतनी खराब है कि तू मुझे देख रहा है? तुम इतनी क्यूट हो कि मैं पिक्चर नहीं देख रहा। ओ, सावन में लग गई आग, दिल मेरा। तू मुझे तू बोल सकता है? आपसे तुम तक आया हूँ, धीरे धीरे तुझ तक पहुँच ही जाऊंगा। ये गंदी लाइनें मारना नहीं छोड़ेगा ना तू? तू हाँ बोल दे, अभी के अभी छोड़ दूंगा। हम एक दूसरे को समझते हैं ना, ऐसे कोई समझ ही नहीं सकता। We are perfect for each other. मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ। जब भी लाइफ से कंफ्यूजन दूर हो जाए ना, बस एक बार बता दियो। आपकी बेटी का और मेरा पहले से कोई मैच था नहीं। वो दूध है तो मैं खट्टा नींबू फट के ना जिंदगी का पनीर बन गया। आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? तो हम पंजाबियों के पास और है ही क्या, एक इमोशंस एक पनीर। आज ना सोया सारी रात दिल मेरा। गिनी तूने ना मुझे मना किया था, इसलिए आज तक मैंने तेरी मम्मी को ना तेरे बारे में बताया नहीं है। जो कौन था छोटा भीम? आपकी बेटी क्या शादी कर रही है, म्यूजिकल चेस खेल रही है? मम्मा आप कैसे जानते हो सनी को? ले उसके पापा और मैं योगा करते हैं। ओ माता बस क्या योगा योगा लगा रखा है, यहाँ लाइफ भुजंगासन हो गई है।